नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत कई अन्य उपकरण अब कम पड़ने लगे हैं। कई राज्यों में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की है। पीएम मोदी ने राज्यों से तालमेल बैठाने को कहा है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई जगहों पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। इसे देखते हुए कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी है। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में स्वास्थ्य, DPIIT, स्टील, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों के इनपुट भी पीएम मोदी के साथ साझा किए गए। बैठक में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य के समूहों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बयान में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित 12 राज्यों में आगामी 15 दिनों में इसके अनुमानित इस्तेमाल की स्थिति की समीक्षा की है। आपको बता दें, इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। बैठक में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता के बारे में पीएम को जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि सरकार ने विदेशों से भी ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन आयात की जाएगी, यानी कि देश में जल्द ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन अब मिलने लगेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।